क्शन टू सेक्शन 201 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी सरकारी कर्मचारी फ्रेम कर रहा है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को गलत डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रहा है क्यों क्योंकि उसके कॉज करनी है इंजरी टू एन इनोसेंट पर्सन ओके अर्थात कि जैसे पुलिस वाला किसी गलत एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड ला रहा है ठीक है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने अक्यूज से पैसे खाए हैं तो प्रोसिक्यूशन खराब करके विक्टिम के जस्टिस को हार्म कर रहा है ठीक है यहाँ इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती है इलेक्ट्रॉनिक रेकेट दैट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रेकेट इन अ मैनर विच ही नोसो बिलीव टू इन करेक्ट मतलब वो किसी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से तैयार करता है उसे पता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो करता है ठीक ठीक है, है, है कि कि उसे पता है कि इस ये करने से वो इंजरी करेगा किसी इंसान को शेल बी पनिश्रिजमेंट विच में तीन साल की सजा सेक्शन टू जीरो टू पब्लिक सर्वेंट अनलॉफली एंगेजिंग इन ट्रेड सरकारी कर्मचारी ट्रेड नहीं कर सकता हाँ तो गवर्नमेंट सर्वेंट कांट एंगेज इन ट्रेड क्योंकि अगर सपोज करो एक डीएसपी है वो ऑन द बैक एंड ही इज हैविंग बिजनेस ही इज डूइंग ट्रेडिंग ठीक है तो वो बिजनेस करेगा ट्रेडिंग करेगा वहां से भी कमाई करेगा और सरकार की कमाई भी लेगा और अगर वो ऐसा करेगा तो पॉइंट ये है ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा करने से वो अपनी ड्यूटी पर फोकस नहीं कर पाएगा फिर वो तो यही कहेगा ना कि मेरी जॉब स्टेबिलिटी तो है ही है मैं क्यों ना अपने पर्सनल बिजनेस पर फोकस करूं और ज्यादा पैसे कमाऊं इसी वजह से ये बैन है है विच में एक्सटेंड टू वन ईयर एक साल की तक सजा सेक्शन टू जीरो अनलॉफली बाइंग और बेडिंग फॉर प्रॉपर्टी हाँ तो इसका ऑफेंस इसमें ऐसा बनता है कि उसे पता है मतलब मैं समझाता हूं हु पब्लिक सर्वेंट एंड बींग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट

ठीक है अपने हिस्से भी डाली ये वो या जॉइंटली इन, इन, इन शेयर्स विद अदर्स तो भी शैल बी पनिश विद सिंपल इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स ये इसलिए क्योंकि उस इंसान को पता है कि उस इंसान को लॉ ने बार किया हुआ कि उसने खरीदनी नहीं है वो प्रॉपर्टी यहां बिड वो नहीं करनी ड्यू टू सम लीगल इश्यूज ऐसे प्रैक्टिकली होते हैं इश्यूज कुछ तो

फूड कॉरपोरेशन का इंस्पेक्टर हूँ तो ऐसी एक्टिंग करना ऐसे बनना वो बार्ड है ऑफ कोर्स बार्ड है छह महीने से तीन साल की सेक्शन टू ओ फाइव वेरिंग आप वो कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉड इंटेंट यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी ले लो वो उसकी एक वर्दी है उसका एक टोकन है उसका एक इंसिग्निया है वो हम उसको मिस कर रहे हैं और इसलिए इंटेंट क्या है कि ये माना जाए या इस नॉलेज के साथ कि दूसरे लोगों को लगे कि मैं वही वाला ऑफिसर हूं आई बिलोंग टू दैट क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कितने साल की सजा? साल की नहीं। तीन महीने की नहीं। महीने हद तक की सजा जिसमें स्टार्ट हो गया ऑफ the lawful authority ऑफ पब्लिक सर्वेंट ठीक है ऑफ uh, कंटेम

सिक्स मंथ तक की प्रिवेंटिंग प्रिवेंट prevent करना कि मेरे पास पहुंचे ही ना नॉन अटेंडेंस एंड ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर आया पब्लिक सर्वेंट का 208 सेक्शन पर आ जाएगा नॉन अटेंडेंस एंड ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट सरकारी सम्मान आए हैं नोटिस आया ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग आई है लेकिन नॉन अटेंडेंस डिसोबीडियंस दिखा रहे हैं एक महीने तक की कोर्ट के द्वारा आया है तो छह महीने तक की इसके उदाहरण देख लो कि ए बीइंग लीगली बाउंड टू बिफोर हाई कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट इन ऑर्डर टू सब पोइना सब पोइना का मतलब रिट का ऑर्डर हुआ है कि रिट के तहत रिट एडमिट uh, हुई है तो ये सोन सौ सो पर्सन को समन किया जाए ताकि मैटर में डीपली तहकीकत हो सके या फिर समन आया हाई कोर्ट के ठीक है इंटेंशनली जान के अबिट कर रहा है आ नहीं रहा है तो इस सेक्शन के तहत सजा होगी ये तीनों 206, 207, 208 एक ही कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहा सेक्शन 209 ये भी उसी कंसेप्ट की बात करता है वैसे फिर बता देता हूँ कि नॉन एंड रिस्पॉन्स अपेयर प्रोक्लेमेशन ऑर्डर अच्छा जो पहले बयासी सेक्शन सीआरपीसी में होता था प्रोक्लेमेशन करते थे बंदा आते नहीं आते नहीं आता नहीं तो बाद में पीपी -पी या पीओ ओ करते थे पीपी पीओ पी का फर्क क्या है पी मतलब प्रोक्लेम्ड पर्सन पीओ मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दोनों में फर्क क्या है थोड़ा वेगली समझा देता हूँ कि प्रोक्लेम्ड पर्सन करते हैं जो इतने ज्यादा इन नहीं होते हैं पीओ उसमें किया जाता है जो बहुत ही है जैसे मर्डर अब सुसाइड ऐसे केसेस में ठीक है इसकी एग्जैक्टली exactly हम डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन से 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस करेंगे अच्छा प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर कर दिया फिर भी अपेयर नहीं हुए तो तो क्या होगा

उसको कहा गया था तू ये डॉक्यूमेंट लेकर आ सॉरी ठीक है प्राइवेट बंदे को कहा गया था कि तू ये डॉक्टर तू ये रिकॉर्ड लेकर आ तू ये डॉक्यूमेंट लेकर आ लेकिन नहीं आ रहा है ठीक है पब्लिक सर्वेंट को देना जैसे जज को देना वो बंदा लीगली बाउंड कर दिया गया जज ने समय भेज भेज के उसको लीगली बाउंड कर दिया कि डॉक्टर साहब आप आ जाओ इस केस में रिकॉर्ड पेश करने प्रूव करने लेकिन वो आ ही नहीं रहा है डॉक्टर बार बार कर रहा बहुत ज्यादा तरीके पड़ गई मार नहीं, नहीं रहा है किसी तरीके से तो अगर आप जज हो तो आपके पास पावर है कि आप टू हंड्रेड टेन भारतीय न्याय ना, संहिता को इस्तेमाल करो और क्लॉज ए के तहत वन मंथ की सजा क्लॉज बी जुडिशियल कोर्ट का मामला तो सिक्स मंथ की सजा दैट वॉज इट फॉर डे थैंक यू